रेप के आरोप में सजा पाने के चलते आज जगह विधायक राज बल्लभ यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। सरकार का इरादा 99% वस्तु में 18% कम के स्लैब में टैक्स घटने पर सहमति बनी। एक्वालाइन मेट्रो के रूप में मिलेगा न्यू ईयर गिफ्ट, यूपी सरकार बताएगी उद्घाटन की तारीख। ताजमहल के कारण आगरा से दूर हो सकते हैं निवेशक, तमिलनाडु सरकार दे रही है लुभाने वादे। अफलामुख घाट में युवती की शव बरामद, एक सप्ताह पहले दो युवती पूजा विसर्जन समय हुई थी गुम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक जारी है। उम्मीद है कि सीमेंट और टायर समेत आम लोगों के इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर टैक्स दर 28% से घटकर 18% की जा सकती है। ऐसा हुआ तो लोगों को 23 रुपए से लेकर 31,000 रुपए तक की राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा 31,250 रुपए की राहत कार खरीदने में मिलेगी, तो 28% जीएसटी दर पर औसतन 4,00,000 रुपए की गाड़ी आती है, तो 18% जीएसटी होने पर 3,68,750 रुपए तक की हो जाएगी। रेप के आरोप में सजा पाने के चलते आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपनी ओर से राज बल्लभ यादव को विधानसभा में जाने से रोकने की कोशिश की थी, आज से 23 साल पहले की थी, वे कामयाब नहीं हो पाए। बाद के दिनों में दागी विधायक राजद का प्यारा बन गया। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद सुहाग नगरी में बीती रात इंटरसिटी रेलगाड़ी के 4 अलग-अलग युवक जहर खोराने के शिकार हो गए। फिरोजाबाद के स्टेशन मास्टर को किसी व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि इंटरसिटी गाड़ी में कुछ लोग अचेत अवस्था में पाए गए हैं। सूचना पर पहुंची फिरोजाबाद जीआरपी ने चारों युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है। कहाँ रहते हैं भैया? कहाँ पे रहने वाले हो? कन्नौज के, जिला कन्नौज के भैया। यहाँ पे कैसे आए थे? यहाँ क्या करने आए थे? फिरोजाबाद काम कर रहे थे। कहाँ पे? वो लोग वहाँ लग रहे हैं, हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर काम कहाँ के रहने वाले हो? पुआरी। थाना कौन सा पड़ता है? कहाँ जा रहे थे आप? राजकोट से आ रहे हैं। राजकोट से किस में आ रहे थे? ट्रेन से आया। ट्रेन कौन सी ट्रेन से? इंटरसिटी से। क्या हुआ आपके साथ? चले आए उसमें बैठे, पता ही नहीं कहाँ। पता ही नहीं? तो परिवार वालों को सूचना नहीं है, तो यहाँ कौन लेके आया आपको? पता ही नहीं कहाँ गए हम। मैं ईआरपी ट्रेन से हूँ, मखरपुर की छुट्टी चलती है और वहाँ एक अज्ञात आदमी ऐसा प्रतीत होता है जिस किसी ने उसे घर को खिला दिया। अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी, उसकी हमने स्वयं इवेंट बनाई, उसको लेकर के हम सरकारी एसएन हॉस्पिटल है ट्रामा सेंटर में उसमें भर्ती करा दिया। भदोही जनपद में कौशल विकास योजना के तहत एक जागरूकता पद यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। पद यात्रा के नेतृत्व पर कौशल विकास योजना के डायरेक्टर आरपी पटेल अपना दल यस की जिला अध्यक्ष डीएम सिंह संयुक्त रूप से नेतृत्व करते दिखे। इस यात्रा में 18 से 35 वर्ष के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पर जिला अध्यक्ष अपना दल यस के डीएम सिंह ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चल रही है जिसका नाम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है। इसके अंतर्गत हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले के सारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्य चलता है, जो हम निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण कौशल विकास हम देते हैं लोगों को, बच्चों को, और वो बिल्कुल फ्री होता है। वो हमारी सरकार की योजना है कि हम अपने जिले के, अपने सारे जिले के जो भी बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं उनको हम प्रशिक्षण देकर और उनको नौकरी दिलाए। संचालित जो ये कौशल विकास मिशन योजना है, इस परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार 14 से 35 वर्ष के युवाओं को
रोजगार देने के लिए एक प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम चला रही है। कौशल विकास के अंतर्गत 75 उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 2000 से अधिक संस्था जो है खुली है कौशल विकास मिशन। और इस परिक्षेत्र में यह देखने को मिला कि 52 सेक्टरों के 634 पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इससे जो हम बेरोजगारी की बात करते हैं कि बेरोजगार युवा बेरोजगार हैं, इस परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। असम के माजुली जिला की अफलामुख घाट के नजदीक में एक अनजान युवती के शव बरामद हुआ है। हालांकि शव के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। लगभग एक सप्ताह पहले दो युवती पूजा विसर्जन देते वक्त नदी में गुम हो गई थी। उन्हीं में से एक युवती का ये शव होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जाँच शुरू कर दिया है। डेड बॉडी इधर पड़ा हुआ है, हम लोग भी सुना है, देखा है, लेकिन किसका है अभी तक पता नहीं चला है। अभी यहीं पे है बोल के हम लोग को मालूम हुआ है। कहाँ पे होगा अभी? अभी ये नदी का उसमें है, लेकिन हम किसका है वो हम लोग को पता नहीं। ताजमहल की खूबसूरती पूरे विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ती है, पर कहते हैं कि चिराग तले हमेशा अंधेरा रहता है। ऐसे ही कुछ परेशानी आगरा के निवेशक भी झेल रहे हैं, और ऐसे में निवेशकों की इस परेशानी का फायदा उठाने के लिए अन्य प्रदेश की सरकारें भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल लाइव। नमस्कार।